नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। वो कल के लिए मतलब 19 से फरवरी 2020 के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स चुना है, उसको आप लोग को व्यू दूंगा। और इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी फ्यूचर्स का बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। तीनों सेट ऑफ बाई सेल लेवल रहता है, मैं वो दिखाऊंगा। और अभी इसके अलावा पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, टिनॉल लेवल, ये सब का भी आप लोग को दिखाऊंगा, लेवल दिखाऊंगा। और इनसेट डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100 EMA स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पर देती हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट का सेटअप है और चार्ट का सेटअप है और जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये जो फाइल है इसमें क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, वो वीडियो भी आप लोग को आप लोग देख लीजिए। तो ये फाइल कितना इफेक्टिव है और कैसे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है वो आप लोग को पता चल जाएगा। हाउ टू स्क्रीन और इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीन करना है और मोस्ट इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसका परफॉर्मेंस लेवल, इसको कैसे मतलब एंट्री ले सकता है, वो सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसका सैंपल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को उधर से यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक आप लोग को मिल जाएगा ताकि आप लोग को फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। क्योंकि मैंने ये फाइल मैंने पूरा शेयर करता हूँ और मैंने ये बाइसेल लेवल कम स्किनर और बाइसेल लेवल 3 आप लोग को दिखाता हूँ। और ये सब वीडियो आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा। तो देखिए मैंने तीनों सेटअप बाय लेवल एंड सेल लेवल दिखाता हूँ। इसमें बाय लेवल सेल लेवल 1 पहले दिखाता हूँ। ये बाय लेवल सेल लेवल 1 में बाय का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। सेल का भी ऐसा है। और इसको मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा पोजीशन में है वो आप लोग को देख लेना है, उसी के हिसाब से आप लोग को ट्रेड करना है। आप लोग परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देखिए, आप लोग को उस चार्ट में देख करके मैंने दिखाया तो आप लोग को पता चल जाएगा कैसे एंट्री लेना है। नेक्स्ट मैंने बाई लेवल सेल लेवल 2 दिखाता हूँ। यह बाई लेवल सेल लेवल 2 कोई भी आप लोग फॉलो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बाई लेवल सेल लेवल 3 दिखाता हूँ। आप लोग देख सकता है कितना इंडिकेटर लगा होता है, कितना पैरामीटर लगा हुआ है। और ये बाई सेल लेवल 3, ये आर वन का एंट्री लेवल है, एस वन का सेल का एंट्री लेवल है और पिवट पॉइंट है, पिवट स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट। ये आप लोग बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ये नोट कर सकता है। बोलिंजर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का नोट कर सकता है, टिनॉल लेवल का टॉप लाइन मिडिल लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है क्योंकि इसमें भी आप लोग को काम पे आएगा और मॉनिटर कर सकता है, इसमें एंट्री पॉइंट बन सकता है। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, सभी एक जैसा बाई लेवल सेल लेवल 1 टिनॉल लेवल पिवट पॉइंट सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप लोग इसमें लाइव बटन में मॉनिटर करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होता है और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है तो इसका फाइल का इस्तेमाल करके आप लोग कुछ भी स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद आप लोग को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी आप लोग दे सकता है, फीडबैक दे सकता है। तो ये आप लोग यूज़ करके देखिए तो हम लोग को स्टॉक मार्केट में आसानी से प्रॉफिट होगा, एटलीस्ट 90-95% टाइम आप लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। कुछ भी स्टॉक्स चुन लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं भी कुछ स्टॉक का रिकमेंडेशन रेगुलर बेसिस पे सेम स्टॉक्स ऑलमोस्ट सेम स्टॉक डाल देता हूँ, उसके अंदर भी आप लोग नोट कर सकता है। तो उसमें आप लोग यूज़ करके आज का जो लेवल है वो कल का जब मार्केट ओपन होने के बाद आप लोग जब एंट्री लेंगे तो अच्छी तरह से प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद आप लोग पेड सर्विस लेते दे सकता है।
आप लोग को कोई प्रॉब्लम आए तो फीडबैक दीजिएगा, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी है और जो लोग ज्वाइन को फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होगा, तो ये फाइल आप लोग को जो अवेलेबल दिखा था वो, तो इसमें आप लोग ट्रीट करके देखिए, ये तो पेपर ट्रीट करके देखिए, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या है। कॉमोडिटी का दिखा दिया और भी कुछ बाकी रह गया। कॉमोडिटी का लेवल भी आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकता है और ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। इसके बाद कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखा देता हूँ, आई लेवल से लेवल दिखाता हूँ, ऑन दिखाता हूँ। इसके बाद 100 डे इमेज स्ट्रैटेजी दिख रहा है, 100 डे इमेज स्ट्रैटेजी, 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रैटेजी है कि आज का कैंडल को, जिस जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज को काट किया है, उसमें उसका हाई लो जब कल तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट देता है। तो देखिए इसमें अंबुजा सीमेंट को ये काट किया है, अंबुजा सीमेंट का हाई लो जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो मैंने चार्ट पे भी आप सबको दिखा देता हूँ, ये है 100 डे मूविंग एवरेज, ये देखिए 100 डे जो मूविंग एवरेज है ये आप लोग देख सकता है, 100 डे मूविंग एवरेज है, इसको काट किया है तो ये इसका जो हाई लो तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। जो लोग फाइल आप लोग को पूरा मिल जाता है, ये आप लोग बहुत सारा तरीके से आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसको आप लोग कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप लोग बोल सकता है। इसमें देखिए ऑरो फार्मा में काट किया है, फर्कों में थोड़ा सा नीचे से चला गया लेकिन ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉस लिमिटेड, ये सेंचुरी टेक्स, सबका जो फाइल हो तोड़ेगा तो अच्छी तरह से आप लोग को प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा नीचे से दिखा रहा है, मैंने इसके बाद इंसेंट दबा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जो लोग ज्वाइन करेगा तो इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, आप लोग कुछ भी बाय लेवल सेल लेवल करके दिखता है, 100 डे इमेज स्ट्रेटेजी देख सकता है, इंसेंट दबा इनर फोर इनर स्ट्रेटेजी भी देख सकता है। देखिए एस सी सी में इनर फोर और इनर सेवन, ये लोग जानता है जो ये जो लास्ट 7 डेज का जो बसिंग हाई लो का डिफरेंस है और लास्ट 3 डेज का जो हाई लो का डिफरेंस है वो आज का कैंडल का सबसे डिफरेंस सबसे कम है, तो आज का कैंडल का जब हाई लो ब्रेक करेगा अच्छा मूवमेंट देता है। इधर भी इनर फोर और इनर सेवन दोनों यो है एशियन पेंट में। इधर देखिए इनसाइड द बार 1 डे का सबसे इनसाइड द बार हुआ है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, मैंने तो दिखा देता हूँ बल। देखिए ये जो आज का कैंडल, ये अगला दिन का कैंडल अंदर रह गया, मतलब इसका हाई लो ब्रेक नहीं हो कर पाया आज का कैंडल, तो इसको इनसाइड द बार बोलता है। तो इसका ये जो अगला दिन का कैंडल इसका जब हाई लो तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है, और ये शायद इसमें शायद ना इसमें इनर फोर इनर सेवन नहीं हुआ है। तो इसके बाद और भी देख आप लोग, अच्छा और इनसाइड द बार इनर फोर इनर सेवन हो गया कुछ कैंडल्स, इसमें बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग को प्रॉफिट आए।